पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का आपने ट्वीट देखा या नहीं? उस ट्वीट में विजय शेखर शर्मा आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो सारे एसएमएस जो आपके पास पहुंच रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप अपने पेटीएम का जल्द से जल्द केवाईसी करवाइए वरना आपका पेटीएम ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो फर्जी है, फ्रॉड है और इनसे आपको रहना है दूर। और मुझे लगता है इनका सीजन आता है, कुछ महीने पहले अचानक हमने इस तरह के एसएमएस का इनफ्लो काफी देखा था, फिर शांति रही, फिर कुछ 3 महीने से मैं लगातार देख रही हूँ कि लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस बात को, और केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं शेयर कर रहे हैं बल्कि पेटीएम के साइबर सेल और आरबीआई के ऑम्बुड्समैन में भी इससे जुड़ी शिकायतें गई हैं जहां लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने जब केवाईसी इन कॉल्स के जरिए करने की कोशिश की है तो उनके अकाउंट से पैसे निकले हैं, तो इसीलिए इनसे सावधान रहना है। और जब इन शिकायतों की तादाद बढ़ी तब पेटीएम के फाउंडर भी सामने आए और उन्होंने भी ये चेतावनी आपको दी है कि इन एसएमएसएस पर विश्वास नहीं करें। तो ये है केवाईसी स्कैम। और इस केवाईसी स्कैम में होता क्या है, आपको एक एसएमएस आता है जिसमें एक फोन नंबर दिया रहता है। मेरे पास भी आया था ये एसएमएस, मैंने जब इस फोन नंबर पर फोन किया तो वहां पर कॉल बैक की सुविधा ही नहीं थी। 3-4 एसएमएस आए, मैंने सब पे कॉल करने की कोशिश की पर किसी में भी ये सुविधा नहीं थी। हाँ, लेकिन वो आपको फोन कर सकते हैं। मेरे पास भी एक ऐसा ही फोन आया था पर मैंने तुरंत ही काट दिया था। अक्सर जब ये फोन करते हैं बहुत ही फ्रेंडली टोन में आपसे कहेंगे कि देखिए आपके अकाउंट में कुछ पैसे बचे हुए हैं या फिर आपने अपना केवाईसी पूरा नहीं किया है, इसलिए केवाईसी को कंप्लीट कीजिए और केवाईसी कंप्लीट करने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ या कर देता हूँ। हम अगर इस फोन नंबर पर विश्वास कर लेंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ, ये आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप एक ऐप को डाउनलोड कीजिए। और इस ऐप को डाउनलोड करने का मतलब है कि आप अपने फोन का एक रिमोट क्रिएट कर रहे होंगे। जी हाँ, इसे आप एक रिमोट एक्सेस वाले ऐप से कनेक्ट कर रहे होंगे। वो आपको फोन पर ही गाइड करते रहेंगे कि आप ये परमिशन दे दीजिए, आप सोचेंगे आप इस ऐप को परमिशन दे रहे हैं, फिर आपके पास एक पिन आएगा, वो पिन आपसे मांगेंगे और आप वो जैसी पिन उनको देंगे आपका फोन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपके फोन की स्क्रीन जो है वो कोई रिमोटली बैठ करके देख पाएगा। और ये हैं शातिर हैकर्स जो आपके फोन के एक्सेस को हासिल करते ही क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके पास आपकी स्क्रीन रहेगी और उसके बाद अगर कोई भी पेमेंट इनिशिएट होता है तो ओटीपी आपसे पूछने की भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन क्या होता है कि जो भी बैंक अकाउंट आपके पेटीएम से कनेक्टेड होगा उससे वो किसी पेमेंट को इनिशिएट करवाने के लिए आपको कहेंगे और उसके बाद आपके अकाउंट का एक्सेस उनके पास आ जाएगा और उससे पैसे साफ हो सकते हैं। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर कॉल करके आपको कहे कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो कॉल के जरिए इस तरह की रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी ना सुने। कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करें, अननेसेसरी परमिशंस आप जब इसमें देंगे तो आपके फोन के कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा बढ़ जाएगा। इससे पहले भी कई ऐप्स का नाम हम सुन चुके हैं, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर, एनी डेस्क, जिनको डाउनलोड करने के बाद लोगों ने इस बात का सामना किया था कि उनका अकाउंट सफाचट हो गया था, इसलिए इनसे सावधान रहें। अब पेटीएम ने साफ कहा है कि वो कभी भी कॉल करके आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए फोन पर नहीं कहेंगे, उनके अपने केवाईसी सेंटर्स हैं या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव आपके डोरस्टेप पर आकर ये केवाईसी करेंगे। वैसे अभी पेटीएम ने अपने ऐप में एक मिनिमम केवाईसी करने की भी सुविधा दी है, उसके जरिए आप केवाईसी करें, किसी भी कॉल की ना सुने। वैसे अगर लगता है कि केवल कॉल ही आ सकते हैं तो ऐसा नहीं है, आपको इस तरह के एसएमएस आ सकते हैं जिसमें आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा आपको कुछ कैश रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो इन लिंक से भी सावधान रहिए, एसएमएस के जरिए आए किसी भी लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अच्छा लगा कि विजय शेखर शर्मा ने भी ट्वीट करके लोगों को चेतावनी दी है, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा तब लगता जब विजय शेखर शर्मा हमें ये बताते कि अगर इस तरह का फ्रॉड हो जाए, यानी उसके अकाउंट से अगर पैसे चले जाएं, तो इसमें पेटीएम क्या करेगा, पेटीएम उनकी मदद कैसे करेगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है डिजिटल पेमेंट में जब भी इस तरह के फ्रॉड का कोई कंज्यूमर शिकार होता है तो कंपनियां उनसे मुंह मोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती हैं, ज्यादातर कंपनियां कह देंगी कि अब हम इसमें क्या करें, आप बैंक के पास जाइए, और अगर आप बैंक को कंप्लेन करते हैं तो बैंक कहती है हम इसमें क्या करेंगे, आप उस डिजिटल वॉलेट के पास जाइए जहां से ये पैसे गए हैं और कंज्यूमर
फुटबॉल की तरह इधर से उधर होता रहता है, पैसे गवा चुका रहता है। तो जब आप इस तरह से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और बैंक के बीच फुटबॉल बन जाएं तो क्या करें? आप आरबीआई के डिजिटल पेमेंट ऑम्बुड्समैन में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसी साल की शुरुआत में आरबीआई ने इसकी अनाउंसमेंट की थी और इसमें जितने भी ई वॉलेट हैं और पीपीआई यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं। 19 शहरों में 22 लोकेशंस पर ऑम्बुड्समैन है डिजिटल पेमेंट के, और आपको इनके ईमेल एड्रेस भी आरबीआई के वेबसाइट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसके पास इतने पावर हैं कि ये 1 लाख से लेकर के 20 लाख तक का मुआवजा जो है वो कंज्यूमर को दिला सकता है। मेंटल एग्नी के भी आप शिकायत कर सकते हैं और जिसके लिए आपको मुआवजा मिल सकता है। एक तो फ्रॉड की राशि आपको वापस दिला सकता है और आपको कॉम्पनसेशन भी जो है ये डिजिटल पेमेंट ऑम्बुड्समैन दिला सकता है। आप इसमें अनऑथराइज्ड फंड ट्रांसफर से लेकर के अगर आपका कोई ऐसा पेमेंट हुआ था जिसका रिफंड आपको कंपनी को देना और वो कंपनी नहीं दे रही है तो रिफंड की भी शिकायत कर सकते हैं। तो वहां पे आपको आरबीआई की वेबसाइट पे तमाम लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से शिकायतें जो हैं आप कर सकते हैं। शिकायत करने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जिस डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से यानी कि ई वॉलेट से आपको शिकायत है, आपको अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करानी है। आप स्ट्रेट ऑम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते, पहले आप उस कंपनी को अप्रोच करेंगे। उस कंपनी को आपको 30 दिन का समय देना है और 30 दिन में अगर डिजिटल वॉलेट कंपनी आपको जवाब नहीं देती या फिर ऐसा जवाब देती जिससे आप संतुष्ट नहीं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही सरासर गलत है और आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ाने में डिजिटल ऑम्बुड्समैन जो है, डिजिटल पेमेंट ऑम्बुड्समैन आरबीआई द्वारा बनाया गया, वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो 30 दिन वहां पर लगाएंगे और यहाँ पे भी टाइम कंस्ट्रेंट होता है, यानी आपके पास 1 साल का वक्त होता है। तो कुल मिलाकर 13 महीने में आपको जो ये फ्रॉड अगर कुछ हुआ है या कोई आपका कोई पेमेंट जो है वो डिजिटल वॉलेट नहीं कर रही है तो 13 महीने के अंदर आप आरबीआई के इस डिजिटल पेमेंट ऑम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। अगर ऑम्बुड्समैन आपके मामले में जो सुनवाई करता है, जो फैसला लेता है, वो आपको लगता है कि ये फिर आपके साथ ना इंसाफी हो रही है तो आप डिजिटल पेमेंट ऑम्बुड्समैन के एपलेट अथॉरिटी को फिर अप्रोच कर सकते हैं और इस मामले में डेप्यूटी गवर्नर के ऑफिस तक आप अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरह का फैसला जो है वो आपके हित में नहीं है और आपको क्यों लगता है कि आपके हित में नहीं है। तो डेप्यूटी गवर्नर तक आप अप्रोच कर सकते हैं और अगर वहां से भी जो भी सोल्यूशन निकल कर आता है जो आपको मान्य नहीं है तो कंज्यूमर फोरम का रास्ता आखिर में आपके पास बचता है ही। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप जब डिजिटल पेमेंट ऑम्बुड्समैन को अप्रोच करेंगे ना, उसी समय आप कंज्यूमर फोरम में भी अप्रोच कर रहे हो, यानी ड्यूअलिटी नहीं होनी चाहिए। पहले आप जाएंगे कंपनी के पास, फिर आप जाएंगे डिजिटल पेमेंट ऑम्बुड्समैन के पास, और जब वहां का फैसला आपको ठीकने लगेगा तब आप जाएंगे कंज्यूमर फोरम में। तो कोशिश की जा रही है कि डिजिटल पेमेंट में जितनी सारी तकलीफें कंज्यूमर्स को होती है उसे एड्रेस करने के लिए ये ऑम्बुड्समैन क्रिएट किया गया है ताकि कंज्यूमर के साथ ना इंसाफी ना हो। लेकिन मुझे लगता है ये सब ऑम्बुड्समैन अपनी जगह है, कंज्यूमर फोरम अपनी जगह है, ये जो डिजिटल पेमेंट कंपनियां हैं इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और साथ ही में हमारा साइबर सेल क्या कर रहा है? अगर सबको पता कि इस तरह का KYC स्कैम हो रहा है तो उन नंबर को ट्रेस करके क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ा जाता है जो इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं? वो आराम से ये स्कैम करते रहते हैं, बहुत शोर जब मच जाता है फिर चुप्पी हो जाती है कुछ समय तक, उसके बाद अचानक फिर से उठाने लगते हैं, तो इनका एक फाइनल फुल स्टॉप कब लगेगा?